मुरे ऐसा ले अपने भाई से के चुनाव में अब हमेशा से समाजवादी पार्टी और नेताजी की समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में आप समाजवादी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाएंगे, क्योंकि आने वाला चुनाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये हमारे भविष्य का भी चुनाव है, जहां आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, जहां अग्निवीर जैसी योजनाएं लाई जा रही है, जहां पुलिस की भर्ती के एग्जाम तो करा रहे हैं लेकिन पेपर जानबूझ के लीक करा देते हैं, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि किसी को नौकरी दें, क्योंकि जहां परमानेंट जॉब परमानेंट नौकरी या सरकारी नौकरी मिलेगी तो गांव की अर्थव्यवस्था भी सुधरती है। इसी के साथ गांव में ये नहीं चाहते हैं कि विकास हो और जो व्यवस्था पुरानी थी, जिस तरह का शोषण पहले होता था और जिस तरह के शोषण से समाजवादी पार्टी ने एक तरह से निजात, एक तरह से उन जंजीरों को तोड़ने का काम किया था, आज की सरकार वही व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था जहाँ पे किसी हम सब की राजनीतिक आर्थिक जो हिस्सेदारी है, जो हमारा हक है, वो नहीं देना चाह रही है सरकार। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमेशा से समाजवादी रहे हैं और आपने हमेशा समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ाई है और आने वाले चुनाव में भी आप समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ाने का काम करेंगे और साइकिल का रुख बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। और जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि हो सकता है कि दोबारा आने का समय नहीं मिले, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगी कि चुनाव के समय भी आऊं, लेकिन अगर नहीं आ पाऊंगी तो चुनाव के बाद वापस आप लोगों से संपर्क करूंगी। आपका सब बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पीने वाला बड़ा आदमी ए लोगो, जो चंद्रपुर में आज आखिरी कथा है, जरा भी आंखों में इंसानियत का पानी है तो आज से दारू मत छूना। दुष्परामद दारू के आधार तुम्हें बतलावे और चरके और धनमंतर भी दारू को बुरा बतावे। दारू पीने वाले मेरे भाइयों, प्राण वायु की चाल रतन में सही नहीं हो पाती, पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। इसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। इसके कारण हृदय पर बीमारी छा जाती। इसके कारण हृदय पर बीमारी छा जाती। चेहरा हो बेकार समय से पहले मौत उठावे। चाल यतन में सही नहीं हो पाती, पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में,
रक्त नाड़ियां ढीली हुई, खून की चाल बढ़ जाती, जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाता। दारूबाज का चेहरा उतरा हुआ मिलेगा, समय से पहले मौत खा जाती है लोगों, इसलिए दारू छोड़ दो। बड़े बड़े राजाओं के पड़े घरों में ताले, और धन के अभिमानी शराब ने भिकमंगा कर राजाओं के पड़िए घरों में ताली, और धन के अभिमानी शराब ने भिकमंगा। आधार ने आंखें से देखे मैनपुरी में, कींच के नाले में पड़े, बुरी तरह से मिटते देखे हमने दारू बाली, और समय से पहले मरते देखे हमने दारू बाली, और मीट की दुकान पिटते देखे हमने दारू बाली। लोगों, दारू का दौर बहुत बढ़ रहा। आजकल के कथावाचक भगवताचार्य ऐसे हैं, बिना दारू के भागवती ना कह पाता। ध्यान रखना लोग, जे नए नए भगवताचार्य सरप्पा दारू पीकर गद्दी की गरमा को नष्ट करने में लगे। हम दारू का विरोध करते हैं तो कुत्ता जगह जगह पर भौंकना शुरू हो जाते हैं। भाइयों, शराब पीने वाला विद्वान नहीं होता है, और वेद सात ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। वाला कोई विद्वान नहीं होता है, वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है, बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है, और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। इसलिए वह बाणासुर को अपनी बिटिया रुक्मिणी नहीं दूंगा। तो महाराज एक लड़का और है, बोलो कौन है? मगध का राजा जरासंध। जरासंध, हाँ। तुम कोई नशा करते हो? नशा तो नहीं करते महाराज। नशा तो करते हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम नशा तो करते हो? नहीं महाराज। गद्दी पे बैठ के झूठ मत बोलो। गद्दी पे बैठे महाराज। बीड़ी नहीं पीते हो? नशा नशा चाहे छोटो हो चाहे बड़ो, हमारी बिटिया 21 साल की और जरा सिंधु 148 साल को, ऊंट के गले में बकरियां लटका दें,
इसीलिए हम जरा सिंध को लड़की नहीं देंगे। तो महाराज एक बात कहे, लड़की किस साल की है? तो पांच पांच साल के पांच लड़का ढूंढ ले। बताओ, है नशा में कि ना है? जब कह रहे हो पांच पांच साल के चार ढूंढ ले, पांच बताए तो हमारी बिटिया रुकमणी ललन गोदम खेले। अरे पागल, एक लड़का चाहिए जो तेरी बहन का दूल्हा बने। महाराज एक लड़का हमारी नजर में है। कौन है बताओ? बड़ा धनवान है, पहलवान है और अपना रिश्तेदार भी है, हमारा साला शिशुपाल। बेटा रुकमेश, बहुत देर से तुम मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो। हाँ जी पिताजी। तुम्हारी नजर में कोई लड़का है जो तुम्हारी दीदी को दूल्हा बने? है नजर में। कौन है? भगवान कन्हैया द्वारका दीश। भगवान कन्हैया, तूने तो हमारे दिल की बात छीन ली। लोगों तालियां बजा के हमें बच्चे का स्वागत करो। वास्तव में मैं यही चाहता था कोई भगवान यदकुल भूषण कन्हैया का नाम ले दे। पिताजी, भगवान कन्हैया दूल्हा बन के आएंगे, हमारे परिवार का उद्धार हो जाएगा। अभी पंडित नाई को बुलाइए और भगवान यदकुल भूषण कन्हैया को टीका भेजिए। पिताजी, ये सभा में तालियां कैसी बज रही है? बेटा, जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई हैं, हाँ, इनके मुंह में दो दो रसगुल्ला दे दे, और जिन्हें ताली ना ही बजाई इनके मुंह में ईंट फोड़ो। ये तालियां क्यों बज रही है सभा में पिताजी? तुम्हारी बहन के लिए दूल्हा मिल गया। कौन है वो? भगवान यदकुल भूषण कृष्ण चंद्र महाराज द्वारका। पिताजी, हमें लगते तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो चुकी है। अच्छा, हमारी बुद्धि बूढ़ी होगी? अरे माखन चुरा चुरा कर खिखाता रहा। अरे माई को दूर करके बता, तेरी बातें समझ में नहीं आते। तन का कहते कन्हैया का नाम सुन के तू भड़क क्यों गया? पिताजी, ये शादी पक्की बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी पिताजी? सुनो पिताजी, सुना रुकमणी की सहेलियन को पता लगो कि रुकमणी को टीका गो, तो लड़कियां जब ऐसी चंचल होती हैं भाग दें। रुकमणी के पास आके बोली, रुकमणी रुकमणी, मेरे मुंह मीठू करा दो, हमें इनाम इकराम दे दो, मैं तो खुशखबरी सुना ना आई। रुकमणी बोली, इनाम भी दे दूंगी, इनाम भी दे दूंगी, मुंह मीठा भी करा दूंगी, खुशखबरी क्या? लड़की हन नचा के बोली, जैसे दिगपाल कांपते हैं, दिग्गज दहलाते हैं, कमठा बुलाते हैं, चंद्रमा सूरज झुक करके चलते, महान वीर शिशुपाल तो भगवान तेरा जोड़ा जोड़ दिया। भक्तों, जो शिशुपाल को नाम सुनो। रुकमणी जहां खड़ी थी वही कलेजा थाम के बैठ गई, कान लगी, दीदी यही खुशखबरी थी, जाके बद्रम तुम्हें मौत की खबर सुना देती। एक लड़की बोली, बहना शिशुपाल में क्या कमी है? कान लगी, मैं कमी नहीं बताती, तू जाके बदले में इनाम देगी तो सुन ले। इसके बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाएगी। खबरी सत्य भाई मेरी लाश पड़ी दिखलाएगी। अगर तेरी जब बात सही निकली, रुकमणी बोली, तो मेरी लाश मिलेगी तो
हमें लाज की खाल उतरवाए के पैर की जूती बनवा लीजिए। एक लड़की बोल भी है ना, ससपाल में क्या कमी है? रुक्मणी बोली, मैं कमी नहीं बताती, पति तो वही होता जिसके लिए दिल में जगे हो, दूल्हा तो वही होता जिसके लिए दिल में जगे हो। एक लड़की बोली, दिल में जगह कब होती है? तो जवाब दिया, दिल में जगह तब होती है जब आत्माएं मिल जाती हैं। जब आत्माएं मिल जाती हैं, प्रीति रीति की धाराएं दिल से ही दिल में आती हैं। बेना, मेरे मन के राजा कोई और है। लड़कियां बोली, क्या नाम है तेरे दूल्हा का? नाम तो बता। कहने लगी, मेरे तन है, मेरे मन है, मेरे जीवन जीवन धन है, आधार कसम से कह रही हूं, मेरे पिया देव की दूल्हा बन आए जसुदा के छैया बबुल से बोल मेरे पास एक ही दिल था जो मैंने कन्हैया को दे दो, अब दूसरों दिल कहां से लाएं जो शिशपाल को दे दे। और रुक्मणी बोली, प्यार उससे की दे जो है प्यार के काबिल, और हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए, हर किसी पे चला जाए तो हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए। बहना, ऐसे दिल को चूल्हा में धर के जला दूंगी जो कन्हैया को छोड़ के कहूं और से चलो जाए। लड़कियां असमंजस में पड़ गईं। इधर चंदेल राजा शिशपाल ने टीका स्वीकार कर लिया और देवठान की शादी, देवठान की शादी। चारों तरफ पत्रों का वितरण कर रहा है मगध का राजा जरासंध, फौज लेकर शिशपाल की बारात में, पांचों पंडवा शिशपाल की बारात में, दुर्योधन सौ भैया शिशपाल की बारात में, दंतवक्र भूरसभा शिशपाल की बारात में। अब बारात चली है कुंदनपुर के लिए। एक कीर्तन बोले भगवान का, बंधु भगवान सुनो दे कान अरजनिक मेरी, दासी मऊ दीना नाथ रे के लगाई जाइयो फेर, रो रही है, तड़प रही है, सिसक रही है, अरे लगाइयो फेरी, लगाई जाओ फेरी, लगाइयो फेरी, दासी मऊ दीना नाथ रे के लगाई जाइयो फेरी।
सिसर रही है, रो रही है, डकरा रही है, तब तक सदानंद नाम के ब्राह्मण आ गए। सदानंद नाम के ब्राह्मण कहने लगे, बेटी सारा नगर दुल्हन की तरह सजा है और तेरी शादी है। जब किसी लड़की की शादी होती है वो मन ही मन में कितनी खुश होती है, तेरी तरह नहीं रोती। रुक्मणी कहने लगी, ये ब्राह्मण देवता मेरी शादी मेरा भैया शिषपाल के साथ कर रहा है और मैं भगवान द्वारकाधीश यदकुल भूषण कृष्णचंद्र यादव जी के लिए अपने को समर्पित कर चुकी हूं। भैया का साला दूल्हा बन के आ गया। हे ब्राह्मण देवता, भगवान ने हमें तन वर दिया है, आप हमें कृष्ण वर दे दो। और जब मेरी चिट्ठी द्वारकाधीश तक पहुंचा दो, मैं जिंदगी में तुम्हारे एहसान को नहीं भूलूंगी। ब्राह्मण कहने लगे, बेटी घबराओ नहीं, चिट्ठी लिखो, मैं कन्हैया को चिट्ठी दे के आऊंगा और मेरी चली तो संगई लेके आऊंगा। अब कागज कलम दबात लेकर मेरे प्यारे भक्तों भगवान कन्हैया के लिए चिट्ठी लिखने लगी। धीरे बोलो, धीरे। क्या लिख रहे हैं चिट्ठी में, जरा चिट्ठी देखो। मनमोहन, मनमोहन, जिनके मन में मोह नहीं है वे है मनमोहन। मदन मोहन, जिनमें न मद है न मोह है वे मदन मोहन। मनमोहन, मनमोहन नहीं जो सबको भेद छुपाती में राजा का लिखी भेद कोई हम तो अच्छी मिली है, कौन सौत ने फांस लो, कौन सौत ने फांस लाए बक आए के गाल छोरोती दया काल
और इशारा कर रही है। कौन सा इशारा? मोए पांच मिनट को कम मिल जाते अकेले में अकेले। मोए पांच मिनट को कम मिल जाते त्रेता की बात बताती मैं दया खाली मिनट को मिलते तो बताती। लंका में 12 महीना कैसे काटे हमने सब भूलिए। तिथि के अंदर जो ना आए तो पेट भार मर जाती मैं राजा काल की भेद पेट भर के मर जाऊंगा। चंदेरी में नहीं जाऊंगी शिशुपाल की दुल्हन बन के। नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए ये पत्र लेकर के ब्राह्मण दोहरका में पहुंचे। कन्हैया का दरबार लगा है। ब्राह्मण ने जाकर के भगवान कन्हैया को पत्र दिया। उग्रसेन कहने लगे कन्हैया किसका पत्र है? भगवान कन्हैया बोले नाना श्री विदर्भ देश के राजा भीष्मक की लड़की रुक्मिणी मुझे आत्मा की गहराइयों से प्यार करती है, आपकी क्या आज्ञा? नाना उग्रसेन बोले कन्हैया जा और रुक्मिणी जैसी लड़की को दुल्हन बना के दोहरका में ला। सोई भगवान कन्हैया ब्राह्मण से बोले क्या ये हारमोनियम वाला माइक सही कर दे। ब्राह्मण देवता जरा ठहरो में रथ तैयार कराता हूं कन्हैया ब्राह्मण को रथ में बिठा ले हुए रथ को दौड़ा रहे हैं। बलदाऊ सेना लिए हुए पीछे आंधी की तरह उमड़ाते हुए आ रहे हैं। झुका कर रहो या मोड़ की गर्दन तोड़े डाल रहो। और ये गुरुदेव का सम्मान करके गए थे जयदेव सिंह यादव चंदनपुर के बसने वाले हैं। गले में हार पहना करके समस्त स्टाफ को
51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान ने सुख संपत्ति प्रदान करता रहे। मेरे भाइयों, आगे कुंदनपुर में चौबाड़ी में बरात रोक दी भगवान ने अपने, और ब्राह्मण से कहा जाओ रुक्मिणी से कह देना शेर की खुराक कभी गीदड़ नहीं खा सकता। पंडित जी हुई है घर की तरफ और भक्तों ये रुक्मिणी को कल नहीं परे कल नहीं परे, कहूं छत पे चढ़ जाए कहूं नीचे उतर आए कहूं फिर छत पे चढ़ जाए कहूं फिर आंगन में आ जाए। जय सोचे जन ब्राह्मण पहुंचे हुए जन नाई पहुंचे हुए जन दीन अनाथ आते हुए जन नाई आते हुए सोने चैन नहीं परे तो ब्राह्मण आए। आप आ गए? हाँ बेटी आ गया। और मेरे श्याम आए हैं? कान लगे बेऊ आए और बेऊ आए, और कौन आए? तुम्हारी जेठ बलराम जो समय पर तुम्हारी दूल्हा की मदद करेंगे। बिटिया चौबाड़ी में बारात रुकी है, दो दूल्हा एक दुल्हन बिना झगड़ा बहु ना बचे तासों पूजा के बहाने चुप कहीं सरक जाओ वहीं मंदिर में मिल जाए रथ में बैठी हो रपु चक्कर हो जाइयो और जो कह के गई तो खून की नदियां बही। रुक्मिणी कहने लगी ठीक है आप जाओ मैं चली जाऊंगी। और रुक्मिणी सोलह श्रृंगार करने लगी और ये सस्पाल की बरात उन्हें पंडवा पंडवन पता लगी हो कन्हैया की बरात आएगी। उन्हें अपनो बोरी बिस्तरा समेटो सस्पाल की बरात छोड़ दी भगवान की बरात में घुस बैठे डबल नाश्ता ले रहे डबल।